भी गुड, एक शानदार स्ट्रैटेजी। अभी पोटैटो की तरफ न्यूमैन भी है, वहां पे ऑलरेडी गॉडब्रेन भी आ चुकी है। अभी फिलहाल गॉड लाइक काफी ओपन में थे, अमर स्प्रे दे रहे थे मवी के ऊपर, लेफ्ट साइड से स्प्रे आया एंड वो डाउन किए गए हैं। गॉड्स रेन ब्लाइंड को पोटैटो पे जाकर चैलेंज करिए, मान्या को पूरी तरीके से नॉक एंड देयर विसेस एस 12 के एक प्लेयर को डाउन करेंगे। निंजा जॉर्ड इनको काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाएंगे। इस पत्थर के पीछे आराम से रॉनी को रिवाइवल दिया जा तो सकता है, बट दोनों टीमें चाहे वो गॉड्स रेन हो चाहे वो ब्लाइंड हो मुश्किलों में आ चुके हैं। गॉड फाइट का इनिशिएशन एंड गॉड्स रेन इज आउट ऑफ द लॉबी, जहां पे ब्लाइंड उनको खुद को तो बचा लेगी बट गॉडलाइक आल्सो थोड़ा सा ट्रबल में आ चुकी है। जी हाँ, बट ज़ीगोर्ड अभी भी है, उन्होंने एक बहुत शानदार नॉक निकाला। मैं कह ही रहा था कि अगर ज़ीगोर्ड की बात करें वो अपनी जिंदगी के बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, रुकते नहीं है, बट पीछे से दो प्लेयर्स आए, सामने से स्लग गाड़ी लेके डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, पीछे से एक और प्लेयर ने पुश कर दिया। ये स्ट्रैटेजी कवर दो तुम लोग, एक मेरे पे ध्यान ध्यान से रिस्क मीचा है, मारना उधर से, उधर से मार आराम से। अरे उधर से मार दे, जो मिस करती भी है बिग ब्रदर दैट इज द कंसिस्टेंसी, बट अभी फिलहाल के लिए बिग ब्रदर का गेम अच्छा हो सकता है। बट सर काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी ले चुके हैं, उनको अंदाजा नहीं हुआ था कि मवी वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ, मवी ने उनको पहले ही मोमेंट पे हेड दे दिया था बहुत इजीली। बिग ब्रदर ने अपने पहले प्लेयर को खो तो दिया है, जीई इज प्ले। बाकी के टीम, बाकी के मैचेस कुछ खास नहीं किया। आप जोन की अगर बात करें इस टाइम पे, TX बिल्कुल सेंटर में कहूंगा हार्ड कवर लेके बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत है कि बाकी की टीम्स लड़ बढ़ के आएंगी, एक एक दो दो प्लेयर सबके डाउन होंगे, यूटिल्स ऑलरेडी यूज्ड होंगे, बट ये बिग ब्रदर वर्सेस जी रुक नहीं रहा। ऋषि ने डाउन प्लेयर टू को इंस्टेंटली किया एंड फिनिश भी किया, मैन डिसएडवांटेज पे काफी ज्यादा, बिकॉज मवी नॉक्ड है, स्लग जा तो रहे रिवाइवल के लिए, बट मुझे लगता नहीं सैफ को अभी पुश करना चाहिए अकेले, अगर जाना है अपने साथ अपने प्लेयर्स को लेके जाओ जोन। अभी मैं कहूंगा श्रिंक होने में टाइम भी है, 25 सेकंड का टाइम, आराम से आप जाके वहां पे 2v3 को अंजाम दे तो सकते हैं। कॉल आउट आया है पीछे के हिल की तरफ, एक टीम वेलोसिटी आई पोजीशन, जब से बैठे हैं मुझे लगता है 2 से 3 स्टेजेस हो चुके हैं इसी कंपाउंड में, जोन बनता का बनता चला गया एंड मेडल के लिए भी एक बहुत ज्यादा राहत की सांस। पैराडॉक्स एंड एनकोर ये काफी ज्यादा अपनी टीम को आगे ले जा सकते हैं, बट चलिए इसी के साथ ग्लोबल ईस्पोर्ट्स फाइनली उनका खात्मा इस गेम से 11वें पायदान पर। ईस्पोर्ट्स डटे रहे, टिके रहे, रोटेशन के चलते गॉड लाइक के प्लेयर्स आपको जोन के अंदर स्नीक इन करते हुए मिल रहे हैं, बट इस फाइट को शायद ज्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर पाएंगे, ओपनिंग यहां पर उन्हें निकालनी ही पड़ेगी ओजी के अगेंस्ट। फाइट यहां पे नुमन की भी होती हुई, ग्लैडिएटर वर्सेस नुमन तो हो रहा है, लेकिन ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के मावी ने अभी अभी डब्ल्यूएसबी के ऊपर नॉक निकाला है। टीम गॉड लाइक पुश करती हुई सैंडविच होने की स्थिति है, एक तरफ है मार्कोस गेमिंग और दूसरी तरफ है ओजी, किससे फाइट लेंगे। चलिए एस तो आ चुका है, लेकिन इसी बीच एकेओपी का नॉक निकला है, एकेओपी एज पे भी विज गॉड तीनों खिलाड़ियों को कर दिया है डाउट। अच्छी निकाली थी बट अफसोस दो खिलाड़ियों को नुकसान हो गया गॉडलाइक का। देखिए अच्छी फाइट थी ओजी के साथ और वो निकालनी बहुत ज्यादा जरूरी भी थी, बट पीछे से जो थर्ड पार्टी आई है वो संभालना एक्चुअली में थोड़ा सा मुश्किल था। अब गॉडसिन की बैटल हो रही है, व्हीकल रनओवर के चलते बहुत सारे प्लेयर्स को डाउन किया जा रहा है, इवन जी गॉड को भी पिक ऑफ कर दिया गया है। इट्स ओनली शैडो हु इज सर्वाइविंग एंड सम ऑफ द अदर वे ही इज इनसाइड द सर्कल, बट लेट्स सी फॉर हाउ लॉन्ग ही कैन ब्रीथ। ग्लोबली स्पोर्ट्स इज ऑल्सो एलिमिनेटेड वेलोसिटी गेमिंग के साथ की उनकी बैटल और होती है। निंजा बॉय को कुछ फिनिशेस मिले हैं वीएलटी को एलिमिनेट करने के बाद, बट डेफिनेटली यहां से कुछ बहुत अच्छे पॉइंट जो है वो डेफिनेटली निकाल कर दिखाना चाहेगा। अगर बात की जाए यहां पर गॉड्स निंजा जॉर्ड की, तो पुश आया यहां पर मार्कोस गेमिंग का और अकेले बच गया एक्विनॉक्स, जो कमाल की ट्रेसिंग के बराबर आपको लग रहे हैं इस टाइम पे, और हीलिंग्स आपकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। स्मोक पाथ बनाए जल्दी से अंदर जाए, स्लग फ्रॉम ग्लोबली स्पोर्ट्स इज डाउन ऑन हिज नीज, रैंडम शॉट्स आए थे, सही हमने फिनिश ऑफ करा। मैंने बोली थी कि दो प्लेयर्स को गेटकीप के लिए रखा हुआ है,
ये परेशानी में आए हैं और इसी वजह से आए हैं क्योंकि एक स्प्लिट था जोन के अंदर, अगर सारे प्लेयर्स चले जाते मैं जानता हूं बैक क्लियर ना होती फिर, बट तब भी एक साथ खेलने का मौका जरूर बन सकता था। बट वही अगर देखा जाए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का, उनका भी सफाया होता हुआ आपको नजर आएगा, गॉड लाइक भी यहां पे एलिमिनेट होती दिखे आपको। ये पुश करके यहां पर मार्कोस गेमिंग ने 4 फिनिशेस अपने नाम कर दिया, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने ट्रेड में एक भी नॉक नहीं निकाला है। तो बच्चे निकल गया, मुझे नहीं भी लगता उसे प्लेसमेंट पॉइंट के लिए अब खेलना चाहिए क्योंकि कैमरन ऑलरेडी बॉटम ऑफ द चार्ट्स में, एक अच्छा गेम वो दिखा के जा सकते हैं। बट कमाल हेलो, मैं कहूंगा यहाँ पर वो ड्रेन हो गए थर्ड पार्टी। चलिए बट और एक्मोनॉक्स की जोड़ी नो डाउट बिल्कुल शानदार ही है, मैं कहूंगा टूटने से टूटती नहीं, बट अभी तो इस जगह पे और भी टीमें आने वाली हैं, ऑलरेडी काफी ज्यादा करीब मिडिल की भी टीम है। निंजा जॉर्ड डील करते हुए तीन फिनिशर्स हैं, काइलो को खोया बचा नहीं सकते थे, बट दूर से ग्लैडिएटर का स्प्रे आया गया है एंड अभी फिनिश के चांसेस ग्लैडिएटर्स इस गेम में फिनिशेस तो लेने वाली है, ये वो पूरा एम उनका यही है सिर्फ। बट न्यूमन को डेलिमिनेट करा किसने और ब्लाइंड का पुश आया थर्ड पार्टी, मेरे ख्याल से ग्लोबल स्पोर्ट्स ने पुश किया था न्यूमन पे और ग्लोबल स्पोर्ट्स पुश कर रहा है ब्लाइंड पे जिसमें डीबीएस का फटका पड़ चुका है, रोनी और नकुल डाउन हो चुके हैं, दिक्कत भरी सिचुएशन मान्या एंड उनकी टीम ब्लाइंड के लिए। ग्लैडिएटर्स ऑलरेडी 4 पॉइंट्स ऊपर है और यहाँ ब्लाइंड का खाता अभी तक नहीं खुला है, मावी एंड टीम ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स लेके जा चुकी है, गाड़ियां घुमाई जा रही है मानिया की तरफ से, बट रिवाइवल देना जरूरी और बेहद मुश्किल। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी कुछ इसी तरीके से फाइट लेने में इंटरेस्टेड है, मानिया की एंट्री यहाँ पर कम की है बट डीबीएस का फटका यहाँ पर ऑन पॉइंट दिया है, किसी तरीके से सिचुएशन संभाली जा रही है, मावी को भी डाउन करेंगे। आईजीएल टू आईजीएल, व्हाट आर यू अप टू, ही डिड अ क्लच ऑन नोट, आई रियली डोंट नो बट इट्स ओनली निंजा बॉय हु इज सर्वाइविंग अभी विद अ ग्रेनेड, इफ इट डस सम डैमेज ये ना सिर्फ मान्या और उनकी टीम को डाउन करेगा, ये ग्लैडिएटर्स को विनर घोषित कर देगा। 1v2 का सिचुएशन पहले हैंडल किया, चलिए निंजा बॉय अपने टीम को तो नहीं बट परेशानियों में डालेंगे ब्लाइंड को एंड इसी के साथ ब्लाइंड ने एलिमिनेट कर दिया है ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को, दो प्लेयर इंस्टेंट इनिशियली